स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपनी तमाम यादें हम सबके बीच छोड़ गई हैं। अब उनकी याद में एक कला प्रदर्शनी लगाई गई है, उनके चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई गई है। इन चित्रों को बनाया है चित्रकार राज सैनी ने, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और इसे कमीशन किया है जाने माने समाजसेवी अनिल मोरार का। दोनों से हम बातचीत करेंगे। पहले आप देख सकते हैं कि लता मंगेशकर की जो तस्वीरें हैं बचपन से लेकर अब तक की जो तस्वीरें रही हैं 92 साल तक की, वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर कला प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। अब हम बातचीत करेंगे इन्हें बनाने वाले राज सैनी से। ये जो चित्र आपने बनाए हैं बचपन से लेकर 92 साल की उम्र तक जब उनका निधन हुआ, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी और कितने सालों में आपने बनाया है इन्हें? 3 वर्षों से इन चित्रों को बनाया जा रहा है, और उसके पीछे जो सोच थी वो सोच ये थी मेरा उनके प्रति समर्पण। भारत रत्न सम्मानीय लता जी के प्रति और संगीत के प्रति जो मेरा रुझान था, तो हर कलाकार साहित्यकार और ऐसे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि समाज के प्रति वो सामूहिक विषयों पे काम करें, लेकिन मेरे आइडियल और आदर्श के रूप में लता जी थी कि संगीत के प्रति जो मेरी रुझान भी थी और संगीत के प्रति जो मेरा समर्पण था, उसमें लता जी से बड़ा कोई आदर्श मेरे सामने नहीं था। और मैं अपने आप को भी महत्वाकांक्षी था अपने आप में, कि मैं मानता था कि मैं ही उनके चित्रों की श्रृंखला बनाऊँ जो उनके जन्मोत्सव पे उनके लिए समर्पित करूं। तो बचपन से लेकर अब तक 92 साल तक की उम्र की जो तस्वीरें हैं, इसके पीछे जो सोच है उसके बारे में बताइए। सोच ये कि कहीं ना कहीं से लता जी से मिलने की चाहत तो थी ही, और उस चाहत के पीछे ये बात थी कि उन चित्रों को बनाकर ही उनके सामने मैं जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैंने अनिल सर से बात करके इस प्रस्ताव को रखा, और समर्पण करने का विचार लेके दोनों ने उसकी तैयारियां शुरू कर दी। अनिल जी, आपने इन तस्वीरों को, इस श्रृंखला को कमीशन किया था, आप बताइए कि इसके पीछे क्या आपकी सोच थी, कैसे आपने राज सर को कांटेक्ट किया और कैसे इन्हें कहा कि आप ये तस्वीरें बनाएं? आपकी भी फेवरेट हैं लता मंगेशकर जी। भाई साहब, मैंने राज साहब को कॉन्टैक्ट किया या उन्होंने मुझे किया, देखिए ये सब तय है, अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ वो जरिया बन सकते हैं कुछ काम करने का, मिलाने वाली ताकत वो ऊपर बैठी है। हमारा शायद मिलना लिखा था, इसलिए हम मिले। इन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि भाई ऐसी कोई सोच है मेरी, तब इनके दिमाग में चीज ख्याल आया कि भाई लता ताई के पास पहुँचने के लिए एक हम एक चित्र बनाएं जो उनके पिताजी का हो। अगर आप देख सकते हैं वहाँ पे पिक्चर दिखा रहे हैं हम, वो पहला पिक्चर बनाया गया कि शायद दीदी इस पिक्चर को देख के इम्प्रेस हो। देखिए मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई किस तरीके से हम किसी को प्रभावित करें, तो ये कोशिश थी हमारी कि इस पिक्चर के जरिए लता दाई को प्रभावित करके उन तक अप्रोच करें उनको हम। पिक्चर बनी, बहुत बढ़िया बन के आई। हमने प्रयास किया कि दीदी तक पहुँचे, लेकिन हम नहीं पहुँच पाए। उसके बाद एक काफिला शुरू किया कि हम कुछ पेंटिंग्स दीदी की राइट फ्रॉम द डे वन, जब से उन्होंने गाना शुरू किया तब से हम बनाते चले। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि हम कुछ हद तक कामयाब हुए। इच्छा बहुत थी कि दीदी के हाथ में ये चीज़ें दी जाए, लेकिन ऊपर वाले को मंजिल कुछ और ही था। इस बात का अफसोस आपको भी होगा राज जी कि लता मंगेशकर जी को ये तस्वीरें आप लोग बतौर गिफ्ट या तोहफा नहीं दे पाए या दिखा पाए? इसका पछतावा तो जीवन भर रहेगा, और जब जब लता जी का नाम आएगा और जब जब मेरे चित्रों की प्रदर्शनी की बात आएगी, तब तब ये चीज़ अंदर से झंझकोर के रखेगी। लेकिन बस जहाँ सुप्रीम पावर की बात आती है कि ईश्वरीय शक्तियाँ जब तय करती हैं और जब किसी को जरिया बनाती हैं, तो वो शायद हमारे भाग्य में नहीं था कि हम लता जी के जीते जी उनके चरण स्पर्श कर पाए। इस तस्वीर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुस्कुराती हुई लता जी तस्वीर से झांक रहे। लता जी का जो स्वभाव था, और आमतौर पर जो पढ़ने में और सुनने में आया, वो ये आया कि उनने जीवन के सारे बड़े से बड़े संघर्ष को हंसते हंसते सहजता से स्वीकारा। यह वह चित्र है।
एक तस्वीर हम ये भी देख पा रहे हैं, ये एकदम ताज़ा तस्वीर लग रही है 90 साल की उम्र की लता मंगेशकर। इसमें क्या है कि जीवन में कहते हैं कि मन हमेशा एक सा नहीं रहता, परिस्थितियां एक सी नहीं रहती हैं, कभी भी जीवन में गंभीरता जो आती है और जो भविष्य आदमी को दिखने लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अंदर रहती हैं, हम उनको समझ नहीं पाते, उस भाव में इस तस्वीर का निर्माण हुआ है। अनिल जी, ये तस्वीर, इस तस्वीर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी युवा लग रही हैं लता जी इस तस्वीर में, बहुत शुरुआती तस्वीर लग रही है। बिल्कुल, उनके शुरुआत के दिनों की तस्वीर है ये। देखिए, हम सब कुछ ना कुछ सोच के, कुछ प्लानिंग करके आगे चलते हैं। डेफिनेटली जब ये फोटो क्लिक की गई, कहीं ना कहीं उस टाइम पर कुछ ऐसे विचार में वो होंगी कि किस चीज़ का, किस तरीके का कोई सोल्यूशन निकालना है। ये हमारे लिए कहना असंभव है कि उस टाइम क्या चल रहा था उनके दिमाग में, बट डेफिनेटली तस्वीर, मतलब बोलते ना, तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है, आंखें बहुत कुछ बोलती है, वो एक तरीके से इसमें सैनी साहब ने दिखाया है इसमें। राजी, ये भी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर लग रही है। इसके पीछे रहस्य ये है सर कि ये मान के चलिए कि ए मेरे वतन के लोगों, ये गाना संपूर्ण विश्व में चर्चित रहा है और ये जब तक पृथ्वी है, जब तक संसार चलता रहेगा, वो गाना हमेशा अमर रहेगा। उसमें मैंने इनकी राष्ट्रीयता को भी दिखाने की कोशिश की है। हाँ, तिरंगे का रंग दिख रहा है उनकी साड़ी में। जी। और ये भी कोई एक परी सी लग रही है लता मंगेशकर, इसमें परी का लुक आपने दिया है। इसमें कल्पना के रंग ज़्यादा भरे हैं आपने इस तस्वीर में? कल्पना के रंग भी भरे हैं, और उसमें ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी, जो जो लोग लता जी के संपर्क में रहे या उनके समकक्ष रहे, तो जो कुछ उनको बीच में फिल्मों में काम करने के लिए भी जो कहा गया था, ये कुछ उस टाइप के मोमेंट हैं। ये हम देख सकते हैं कि और तमाम तरह की तस्वीरें, लता मंगेशकर की तमाम तरह की तस्वीरें प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। अलग अलग उनके रंग रूप हमें नज़र आ रहे हैं, और इस कला प्रदर्शनी के माध्यम से लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने की कोशिश है। इस तस्वीर के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? ये जब उनको भारत रत्न मिला, आप देख सकते हैं, ये उस वो पल नहीं, सोल उड़े हुए, आज हमारे देश के लिए भी बड़ा सौभाग्य वाला दिन था वो, जब इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ये शॉल उन्होंने ओढ़ रखी वहीं पे। मतलब आप, हर तस्वीर कुछ बोलती है आपको, अगर आप ध्यान से समझेंगे, हर तस्वीर कुछ बोल रही है। और इसी चित्रों की श्रृंखला में, जो मैंने बार बार कहा कि ये तो जन्मोत्सव के लिए बनाए थे, लेकिन आज इस चित्र में एक चित्र ऐसा भी शामिल है कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लता जी सारे संसार को विदाई करती हुई, मुस्कुराती हुई हमारे बीच से चली गई, और वो हमारा जन्मोत्सव का चित्र आज श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ रखा हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो कलाकार है राज सैनी और जो समाज सेवी हैं जिन्होंने इस काम को कमीशन किया है, इन दोनों ने मिलकर लता मंगेशकर को एक श्रद्धांजलि, एक छोटी सी श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है, उनके विविध रूपों को लोगों के सामने प्रस्तुत करके। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़ मुंबई। We'll be right back.